इसके पहले कि हम बाइबल स्टडी में जाए, लास्ट टाइम जब मैंने ये सेशन लिया था, मैंने आपको बताया था कि नहीं, हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कौन है उस विषय पर बात करने वाले हैं। हालांकि हमने स्टार्ट किया था, यदि आपको याद हो तो, गीत शास्त्र भजन संहिता 121 से हमने स्टार्ट किया था, और उसके बाद हम गए कि कैसे मृत्यु का भय इस संसार में अभी फैला हुआ है और उसके सामने रेमेडी क्या है, उसका सुझाव क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। और आखिर में हम आ गए थे कि भाई, जब चेले उस समय प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, वो पूर्ण शिष्य नहीं थे, पर वो शिष्य बनने की प्रोसेस में थे, वो ट्रेनिंग में थे, और उनके साथ जो हुआ शायद आज हमारे साथ भी वो हो रहा है। पर हमने आखिर में जाना था कि एक डर डर है जो मनुष्य को भयभीत करता है, और जब डर मनुष्य के हृदय में आ जाता है, डर मनुष्य के मन में छा जाता है, तो उनके सामने जो है वो ना देखते हुए, जो वास्तविकता है वो ना देखते हुए, वो डर उनके ऊपर हावी होकर वो डर उनको कुछ और ही दिखाता है। जैसे चेलों के सामने खुद प्रभु यीशु मसीह थे, पर वो उनको प्रभु यीशु मसीह ना जानकर भूत समझ बैठते हैं। हम इसी बाइबल स्टडी में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और आप निकालिए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 14वां अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय। सिर्फ रिवाइंड करने के लिए मैं 23वीं आयत से आगे आपके लिए पढ़ूंगा, और जहां से हमने एंड किया था वहां से हम शुरू करेंगे। पर हम इस बाइबल स्टडी में जाए उससे पहले आइए छोटी दुआ कर लेते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम आपके हाथों में समर्पित होते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि ये सुनहरा मौका आपने हमें दिया कि प्रभु आपके वचनों को हम सीख सके, आपके वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने आसमान और पृथ्वी को रचाया है, जिसने आपको और मुझे बनाया है, उस परमेश्वर के विषय में हम जान सके। पवित्र आत्मा, सामर्थ्य आत्मा, हम सभी के ऊपर हम आपका अधिपति, आपका कंट्रोल जाहिर करते हैं। प्रभु, मेरे हृदय, मन, आत्मा, शरीर, प्राण के ऊपर प्रभु मैं आपका अधिकार जाहिर करता हूँ। प्रभु, ना मेरा ज्ञान, ना मेरी बुद्धि, ना मेरी समझ, पर पवित्र आत्मा आप आज लोगों के साथ बात करिए। हम सबको प्रभु आपके पहचान में आज आप बढ़ाइए। प्रभु पवित्र आत्मा, हम आपको पूरी स्वतंत्रता देते हैं, हम सभी के जीवनों के ऊपर, हमारे मनों के ऊपर। प्रभु, हमारे मन को, हमारी मन की आंखों को आप खोल दीजिए, हमारी बुद्धि और समझ को आप खोल दीजिए, ताकि प्रभु आज हम आपके बारे में सीख सके, समझ सके। हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। प्रभु आप सुने और ग्रहण करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। इससे पहले कि हम वचन पढ़े, एक छोटी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये जो सब्जेक्ट है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, प्यारो, हो सकता है आप बहुत कुछ प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हो, बहुत कुछ हमने बाइबल पढ़ी है, सीखा है, पर इस समय जो भी हम, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे स्टडी में, पहले शायद आपको ऐसे लगेगा कि ये मैं जानता हूँ, पर आप धीरज रखिए और मेरे साथ पवित्र आत्मा जैसे हमारी अगुवाई करते हैं, हम आगे बढ़ते जाएंगे और काफी वचन की गहराइयों को हम जानेंगे जो शायद आपने पहले नहीं जानी होगी। ये सारी बातें पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने मुझे सिखाई है, और मेरे एक मित्र थे, उनके साथ मैं बात कर रहा था, और उन्होंने मुझे एक बात की और वो बात ने मुझे हिला के रख दिया, और मुझे भी लगा कि शायद जो परमेश्वर ने मुझे दिया है वो मेरे हृदय में ना रह जाए, वो मेरे मन में ना रह जाए, पर हो सके उतना लोगों के पास वो जाए जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मेरे एक मित्र थे, उनसे मैं बात कर रहा था, वो वर्शिप लीडर है और बहुत अच्छे प्रभु के दास है, परमेश्वर पूरे भारतवर्ष में उनका उपयोग करते हैं। मैं उनके साथ बात कर रहा था और उन्होंने अपने नाना के विषय में मुझे बात की। वो संगीत के महारथी थे, बहुत ही ज्ञान वो संगीत के बारे में रखते थे, पर उनके जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने अपनी बेटी और अपने नहीं पौत्र, यानी कि जो मेरे मित्र है, वो उनके साथ बैठे थे और उन्होंने उनके साथ एक बात शेयर की और कहा कि आज मुझे दुख है कि जो ज्ञान
संगीत का जो ज्ञान आज मेरे पास है, मुझे दुख है कि वो मेरे साथ में लिए जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ इस दुनिया से, पर वो ज्ञान मेरे साथ आ रहा है। मैं उनको जितना फैलाना चाहिए मैं नहीं फैला पा रहा हूँ। तो जितना भी समय मेरे पास है, जितना भी आप मेरे पास से ले सकते हो उसको आप ले लो। और मैं आपसे कहता हूं कि जो ज्ञान आपको परमेश्वर देता है उनको आपके तक सीमित ना रखना, पर हो सके उतना उनको बांटते जाना। और वो बात ने मुझे हिला के रख दिया कि जो जो बातें जब से मैं परमेश्वर में आया, जो भी बातें परमेश्वर ने अपने वचन के विषय में मुझे सिखाई है, क्या उन बातों को मैं अपने साथ ही तो नहीं लेकर जा रहा हूं। जब मैं परमेश्वर की पहचान मुझे प्राप्त हुई, परमेश्वर को मैंने जाना पहचाना, मेरे बहुत सारे अच्छे मित्र थे आनंद में, उनके बदौलत मैं परमेश्वर में प्रभु की पहचान में आया। और समय बढ़ते गया, मैं परमेश्वर के वचनों में बढ़ता गया। मैं एक रोमन कैथोलिक परिवार में से परमेश्वर की पहचान मैंने, सच्ची पहचान मैंने प्राप्त की। और उन दिनों में मैं प्रभु में बढ़ रहा था, और एक दिन मुझे रात में स्वप्न आया, और वो स्वप्न ऐसा था, उस टाइम पे मैं समझ नहीं पाया था, पर जैसे जैसे मैं बाइबल पढ़ने लगा और लोगों से मेरी बातचीत होती रही और उस स्वप्न को मैं समझ पाया। वो स्वप्न ऐसा था, मैं सिर्फ शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। मैं एक ट्रेन में जा रहा था और ट्रेन आगे बढ़ रही थी, अचानक से, बहुत शॉर्ट में, इसको ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, बहुत शॉर्ट में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अचानक से वो ट्रेन दौड़ती हुई पटरियों से भूगर्भ में चली गई, घूमती हुई भूगर्भ में चली गई। और जब भूगर्भ में वो ट्रेन जा रही थी, मैंने देखा बहुत सारे लोगों की चिल्लाने की आहट, घबराहट की आहट, ऐसी चीखे और चिल्लाना मैंने सुना जैसे कि लोग मर रहे हैं, क्योंकि ट्रेन अभी पटरी पे नहीं दौड़ रही है पर वो घूमती हुई भूगर्भ में जा रही है। और अचानक से सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहां लोग सुन रहे हैं, और हमारे सामने, हमारे एग्जैक्ट सामने एक आकृति, जिन्होंने भगवा वस्त्र पहना हुआ है, उनका उनका जो चेहरा है एकदम तेजोमय है और नो रेड रेड चेहरा है, बहुत ही तेजोमय चेहरा है, और वो लोगों से बात कर रहा है। और वो बात सुसमाचार था, वो बात अनंत जीवन के विषय में था। और थोड़े ही समय में मैं देख रहा हूँ कि, तब मैं सेवकाय में नहीं आया था, मैं एक जगह पर जॉब कर रहा था, तब मैं उतना बाइबल का ज्ञान भी मुझे नहीं था। और अचानक से मैं देखता हूँ कि अभी वो आकृति, वो इमेज, वो व्यक्ति वहां पर नहीं है, पर मैं वहां पर हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ और लोग मुझे सुन रहे हैं, और वो स्वप्न वहां खत्म हो जाता है। उस दिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, पर जैसे जैसे मुझे मैं लोगों से बात करता गया, मैं बाइबल पढ़ता गया, कई लोगों ने मुझे कहा कि आपके ऊपर प्रभु की बुलाहट है। पर समय आया जब मुझे खुद पता चला कि सही में मेरे जीवन में परमेश्वर की बुलाहट है, और जहाँ पे मैं काम कर रहा था वो सब छोड़कर फिर मैं परमेश्वर की सेवकाई में आया। और जिस दिन से मैं प्रभु की सेवकाई में आया, एक बात मैंने परमेश्वर से मांगी थी कि परमेश्वर, यदि मैं तेरे बारे में नहीं जानूंगा तो मैं लोगों को क्या बताऊंगा। जिसके विषय में मुझे बात करनी है, उसके विषय में मैं नहीं जानता हूँ वो कौन है, वो कैसा है, तो मैं लोगों को क्या बताऊंगा। जो बुलाहट आपने मुझे दी है वो बुलाहट मैं कैसे फुलफिल करूंगा। और उस दिन से परमेश्वर मुझे अपने बारे में समझाते गए। मेरे पास जो बाइबल थी, मैं एक रोमन कैथोलिक व्यक्ति था, मेरे पास जो बाइबल थी, मैं जॉब से आता था रात रात के, जैसे ही खाना खाकर मैं फ्री होता था मैं बाइबल लेके बैठ जाता था और पढ़ता रहता था रात को 2-12 बजे 1-2 बजे, मुझे पता नहीं रहता था कि कितना टाइम हुआ है, और फिर थक कर मैं सो जाता था। क्यों ये बात मैं बता रहा हूँ? क्योंकि जो वचन परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, वो समझाया है, वो परमेश्वर की पहचान मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आप भी, जैसे परमेश्वर ने मुझे दिया परमेश्वर की वो पहचान, परमेश्वर ने मुझे दी अपने वचनों के द्वारा, वो परमेश्वर की पहचान आप भी लोगों के आगे रख सके, लोगों तक वो पहुंचा सके। आइए हम वचन में जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय 23वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह
वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। प्यारो, ये बात यहां तक हमने पहले देखा था कि नहीं, डर है जो हमें परमेश्वर की पहचान होते हुए भी, बहुत कुछ हमने कलीसिया में सुना है, बहुत कुछ हमने बाइबल पढ़ने के द्वारा पढ़ा है, पर जब डर हमारे ऊपर हावी हो जाता है, वो परमेश्वर की पहचान कहीं और चली जाती है। और प्रभु हमारे संग होते हुए भी, पिछले समय हमने देखा था, पर कुछ नहीं, वॉइस के वॉल्यूम की कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से वो बातें नहीं आप सुन पाए थे, वो थोड़ा मैं दोहराना चाहता हूँ कि नया नियम जब हुआ और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूं, और पवित्र दूसरा संबोधक, दूसरा सहायक मैं आपको दूंगा, मैं जाऊंगा और वो पिता के पास से आपके पास आएगा, और वो आपको मेरी पहचान देगा, वो पाप के विषय में आपको भान कराएगा, वो राइटियसनेस, कैसे धर्मी होना है उसके बारे में आपको बताएगा, वो आपको सिखाएगा, और वो आपके सदा के लिए आपके संग रहेगा। तो आज हमारे पास पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। नया नियम कहता है कि क्राइस्ट इन अस इज अ होप ऑफ ग्लोरी, परमेश्वर जो हमारे अंदर है वो महिमा की आशा है। तो आज परमेश्वर हमारे अंदर है, हमारे संग है। जो वचन परमेश्वर ने दिया था कि मैं तुमको ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, ये जगत में तुम्हें क्लेश होंगे, ये जगत में तुम्हें संकट होंगे, पर ढाढ़स रखो, हिम्मत रखो, जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग हूं। तो वो पवित्र आत्मा के रूप में आज हमारे अंदर है, सदा हमारे संग है। पर जब डर हमारे ऊपर हावी हो जाता है, उसकी पहचान होते हुए भी उनको हम महसूस नहीं कर पाते हैं, हम भूल जाते हैं, हम नहीं देख पाते हैं, हम नहीं महसूस कर पाते हैं कि परमेश्वर हमारे संग है। और यहाँ चेलों के साथ भी यहाँ यही हुआ कि प्रभु यीशु मसीह उनके सामने होते हुए भी वो उनको पहचान नहीं पाए, और वो समझ बैठे कि ये तो कोई भूत है, और वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे, और तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो, मैं हूं, डरो मत। इंग्लिश में ये जो वर्ड लिखा है, आई एम, मैं हूं, परमेश्वर यहाँ चेलों को कहना चाहते हैं कि जिस अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर की आप आराधना करते हो, पुराना नियम हिब्रू लोग जिस परमेश्वर एल सदाई यहोवा परमेश्वर के वो पूजा करते थे, वो आराधना करते थे, प्रभु यीशु मसीह यहाँ उनको कहना चाहते हैं, वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर मैं हूं। आइए अब मेरे साथ निकालिए, क्यों मैं यहाँ पर ये कोट कर रहा हूं, क्यों मैं ये बातें यहाँ पर बता रहा हूँ। प्यारो, ये बातें आपको कहीं इंटरनेट पर नहीं मिलेगी, ये बातें कहीं आपको कोई मैसेज में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पवित्र आत्मा ने मुझे सिखाई है। जितना समय मैंने बाइबल के साथ बिताया, प्रभु के संग बिताया, हालांकि मैंने प्रभु के संग नहीं, प्रभु ने भी मेरे संग बिताया, ये भी एक रिवेलेशन है, आने वाले समय में हम शायद समझेंगे। पर निकालिए मेरे साथ निर्गमन, उसका तीसरा अध्याय, सभी हम नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट में मैं कहना चाहता हूं आपको, और जो जो बातें हमें देखनी है वो ही हम देखेंगे। मूसा, परमेश्वर ने एक योजना बनाई अपनी प्रजा, इजरायली प्रजा जो मिस्र की गुलामी में थे, वहां से निकालने के लिए मूसा को परमेश्वर ने पसंद किया। 40 साल मूसा महलों में रहा, और 40 साल वो जब अरण्य में था, नहीं, अपने ससुर के वहां यित्रो मिद्यान में वहां था, और अपने ससुर के वो जो गेट नो जो भी उनके पास पशु थे उनको वो चराता था, उनकी देखभाल करता था, और वहां वो रहा। और उस समय में मूसा एक जगह पर जाता है, और वो देखता है कि जलती हुई झाड़ी में एक झाड़ी है जो जल रही है, पर वो नाश नहीं हो रहे, नहीं, जलने के बाद वो राख नहीं हो रही है, वो जल रही है, चलती रहती है। और मूसा ने सोचा कि लाओ मैं वहां जाकर नजदीक से ये देखूं कि ये क्या है, इसका रहस्य क्या है।
और मूसा जब वहां जाता है तो उस झाड़ी में से आवाज आती है। वहां पर लिखा है, पहले ऐसा लिखा है कि एक एंजल है। देखो पुराने नियम में जब भी ऐसा नहीं स्वर्गदूत ऐसा लिखा हो या दूत लिखा हो तो उसको दूत ना मान ले। पुराने नियम में जब भी, कई बार वो दूत हो सकते हैं, स्वर्ग दूत नो हेवनली बीइंग्स जिसको हम दूत बोलते हैं, कई दूतों को पंख है, कई दूतों को पंख नहीं है, वो उनको मनुष्य जैसे जैसा आकार है उनका एक नो अलग बीइंग है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। यदि परमेश्वर ने चाहा तो फ्यूचर में कभी हम देखेंगे। पर बाद में जब वहां से आवाज आती है तो वो आवाज बोलती है कि परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। पहले ऐसा लिखता है कि दूत, उसके बाद लिखा है परमेश्वर ने बात की, यानी कि वो परमेश्वर था, वो दूत नहीं था पर वो परमेश्वर था। तो वो कौन परमेश्वर था हम देखेंगे आगे। और उस झाड़ी में से परमेश्वर मूसा के साथ बात करता है कि हे मूसा, मूसा ने कहा क्या आज्ञा? उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पांव से जूतियों को उतार दे क्योंकि ये पवित्र जगह है। और मूसा वहां पर जाता है और आगे परमेश्वर उनके साथ बात करता है कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर। ये अक्सर हम जब भी लोग कोट करते हैं ये छूट जाता है कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर। मूसा को परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। मूसा के माता और पिता कौन थे? यदि आप पढ़ोगे आगे निर्गमन के 6 अध्याय में तो एक लेवी पुरुष और लेवी स्त्री दोनों ने शादी की और उसका एक बच्चा हुआ और उसका नाम आगे जाके मूसा रखा गया। जो फारून था उनका, उनकी बेटी ने उनको संभाला और उन्होंने उनको बड़ा किया, सारी बातें आप जानते हो। पर जब मूसा को परमेश्वर अपनी पहचान देता है कि वो कहता है कि मैं तेरे पिता का परमेश्वर, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर। परमेश्वर उनको जब पहचान देता है तो उनके पूर्वजों की पहचान देता है और उस नाम से परमेश्वर अपने आप को जाहिर करने में आनंद मानता है। क्यों? क्योंकि उन सारे लोगों का परमेश्वर के साथ निकट का रिलेशन था और पर्सनल एनकाउंटर था। उन्होंने खुद परमेश्वर के साथ भेंट की थी, मुलाकात की थी और जो उनका अनुभव रहा था उस मुलाकात में, जो भी उनका अनुभव रहा था उसके हिसाब से उन्होंने परमेश्वर को नाम दिया था। जैसे अब्राहम ने याहवे इरे, यानी कि परमेश्वर जो पूर्ति करता है, जो हमें यहोवा इरे, यहोवा जो उपाय करता है। उनके पास कोई बलिदान नहीं था, उनका बेटा था पर परमेश्वर ने वहां उनको बलिदान का घेट नो वो मेमना दिया, परमेश्वर जो उपाय करता है। इसहाक, उन्होंने कहा कि रहोबोत का परमेश्वर, विपुलता का परमेश्वर, उनका जो अनुभव था वैसा उनका वहां पर परमेश्वर का नाम दिया। याकूब, बैथेल का परमेश्वर, परमेश्वर का भवन, परमेश्वर की जहां परमेश्वर की जगह जहां परमेश्वर रहता हो, ये जगह भयानक है, वास्तव में यहां परमेश्वर वास करता है, ऐसा याकूब कहता है। जैसा उनका एनकाउंटर रहा परमेश्वर के साथ वैसा उन्होंने नाम दिया। और जब मूसा को परमेश्वर यहां पर मिलता है वो पहले पहचान देता है कि मैं तेरे पूर्वजों का परमेश्वर हूँ, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। पर फिर भी मूसा उनको कहता है कि ये बातें तो ठीक है परमेश्वर, पर मैं जब मेरे लोगों के पास जाऊंगा मैं उनको क्या कहूँ, किसने मुझे भेजा है? तो परमेश्वर मूसा को कहता है, मेरे साथ आप पढ़िए 13वीं आयत। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इसराइलियों के पास जाकर उनसे कहूं तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका नाम क्या है, तब मैं उनको क्या बताऊं? 14वीं आयत। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर अगेन दोबारा उसने कहा, तू इसराइलियों से कहना, तू जाकर इसराइलियों से कहना जिसका नाम मैं हूं है उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया। अब नए नियम में जो हम पढ़ रहे थे मत्ती रचित सुसमाचार 14वें अध्याय में, यहां प्रभु यीशु मसीह कहता है कि डरो मत, ढाढ़स बांधो, मैं हूं।
मैं हूं, डरो मत। यदि गीत शास्त्र, यहाँ पर तूफान था, तूफान में प्रभु उनके पास आता है, चेले घबरा गए हैं, और घबराते समय वो प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह ना जानकर, दूसरा ये मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह को ना पहचान कर ऐसा उनको मानते हैं कि ये तो कोई भूत है। गीत शास्त्र भजन संहिता उसका 107वां अध्याय 23वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। पूरा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, पर आप वचन के ऊपर ध्यान दीजिए, है ना, वचन समझिए, सुनिए, ध्यान से सुनिए और समझिए। भजन संहिता 107वां अध्याय 23वीं आयत। जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं, यहाँ जहाज के साथ आप नाव भी लगा सकते हो, है ना, जो लोग जहाजों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर पर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो वह गहरे समुद्र में करता है देखते हैं, क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है, वे आकाश तक चढ़ जाते हैं फिर गहराई में उतर जाते हैं, और क्लेश के मारे, डर के मारे, संकट के मारे, विपत्तियों के मारे, मैं मेरे वर्ड्स यूज कर रहा हूं ना, सिर्फ आप समझ सको इसलिए, और क्लेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। यहाँ चेलों को भी शायद जान में जान नहीं रही थी, क्योंकि उतना भारी तूफान था, उतनी भारी हवा था वहां पर। वे चिल्ला कर खाते और मतवाले की भांति लड़खड़ाते हैं, और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है, उनको भान नहीं रहता, उनको समझ नहीं रहती। यीशु मसीह को सामने देखते हुए भी वो अभी उनको यीशु ना मानकर भूत मान बैठते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दोहाई देते हैं। किसको दोहाई देते हैं? यहोवा की। यहाँ पर हमने गीत शास्त्र 107 में पढ़ा, कौन समुद्र के ऊपर अधिकार रखता है, कौन वहां पर चलता है, और यहोवा। और तब वे संकट में यहोवा की दोहाई देते हैं, और वह उनको सकेती से निकालता है, वह आंधी को शांत कर देता है, और तरंग तरंगे बैठ जाती है। वो यहोवा परमेश्वर आंधी को शांत कर देता है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि जो परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि मैं हूं ने मुझे भेजा है, तुम जाकर कहना इसराइलियों से कि मैं हूं परमेश्वर ने मुझे भेजा है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, डरो मत, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, आई एम दैट आई एम, मैं हूं। यहाँ पर समुद्र की जल, आगे आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, जैसे ही प्रभु नाव में बैठते हैं वो तूफान तूफान शांत हो जाता है। ये दूसरी घटना थी, इसके पहले भी एक घटना हुई थी, जब नहीं आपको पता है प्रभु यीशु मसीह सो गए थे और चेले लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं कि गुरुजी गुरुजी, रब्बी रब्बी रब्बोनी, क्या तुम्हें हमारी थोड़ी भी फिक्र नहीं, हम मारे जा रहे हैं, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उठ खड़े होते और तूफान को शांत करते हैं। वही परमेश्वर जो तूफान को शांत करता है, भजन संहिता उनको यहोवा परमेश्वर कहती है। और यहाँ पर नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर थे, उन्होंने अपने अधिकार से तूफानों को शांत किया। वो परमेश्वर अपने चेलों को समझाना चाहते थे कि वो इब्राहिम इसहाक और याकूब का परमेश्वर मैं हूँ, मैं ही वो परमेश्वर हूँ जिसकी आराधना आपके पूर्वज किया करते थे, मैं ही वो परमेश्वर हूँ जिसकी पूजा, जिसकी आराधना आपके पूर्वज किया करते थे। हम आगे बढ़ते हैं। तब पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। प्यारो, यहां समझने वाली एक बात हम समझे, उसके पहले मैं हूं, है ना, मैं हूं। आप नए नियम में देखें, शायद हो सकता है ये बातें हम डीपली आने वाले समय में स्टडी करें, पर नए नियम में परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ जो कहता है कि मैं हूँ, डरो मत, प्रभु यीशु मसीह ने बार बार अपनी पहचान जो दी, जो 7 वाक्य है, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो परमेश्वर है अपनी पहचान देता है, जीवन की रोटी मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, यूहन्ना 10:7, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। क्यों प्रभु बार बार अपनी पहचान कुछ कुछ ऐसा वर्ड लाते हैं और कहते हैं कि मैं हूँ?
यूहन्ना 10:11-14 में आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है अच्छा चरवाहा मैं हूं, पर कुछ डेफिनेट आर्टिकल है कि सिर्फ वो ही है। यूहन्ना 11:25, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड आई एम द लाइफ, मैं ही मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। डेफिनेट आर्टिकल है यहां पर यूज, मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है। आई एम द ट्रू वाइन, यूहन्ना 15:1-5 में लिखा है सच्ची दाखलता मैं हूं, मैं दाखलता हूं। ये सारे बातों में बहुत ही मिस्ट्री छुपी हुई है, आने वाले समय में यदि परमेश्वर ने चाहा तो हम समझेंगे। पर जब परमेश्वर यहाँ कहता है कि मैं हूं, डरो मत, मैं ही वो आपका परमेश्वर हूं, आपके पूर्वजों का परमेश्वर हूं, आपका परमेश्वर हूं, तब पत्रस उनको उत्तर देता है। बहुत वहां पत्रस अकेला नहीं था प्यारो, पत्रस अकेला वहां पर नहीं था, और चेले भी वहां थे, पर द ओनली पर्सन रिस्पॉन्डेड वाज पीटर अलोन। पत्रस अकेला था जिन्होंने उत्तर दिया। इसको दूसरे शब्दों में मैं यदि कहूं तो पत्रस अकेला था जिन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना और ग्रहण किया और उनको स्वीकार किया, और वो रिस्पॉन्ड करता है कि प्रभु, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। और यीशु ने कहा आ, इंग्लिश में लिखा है कम। और जैसे ही प्यारो, ये कोई सामान्य वर्ड नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द सामर्थी शब्द है, वो सामर्थ से भरा हुआ शब्द है, वो काम करता है, वो ऐसा ही शब्द नहीं है, वो काम करता है। और जैसे ही पतरस ने ये वर्ड सुना आ, पतरस पानी पर, लिखा है 29वीं आयत पढ़िए, उसने कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। नाव से उतरकर यीशु के पास जाने को कहां चलने लगा? पानी पर चलने लगा। जो प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहा है, वैसे ही पतरस भी पानी पर चलने लगा। वो पानी जो उनको डराता था, वो पानी जहां डर है कि शायद हम मर जाएंगे, ये तूफान में शायद हम नाव को ना संभाल पाए, हम भले ही बड़े कितने तरवैये हो, हम नहीं जन्म से शायद हम मछुआरे हो, बहुत ही अच्छी अच्छे से तैरना हम जानते हो, पर तूफान में प्यारो कोई तैरना काम नहीं लगता। तूफान जब बड़ा हो, भारी आंधी और तूफान हो, वहां कोई हमारी टैलेंट काम नहीं लगती। उनको पता था हो सकता है शायद हम मर जाए, और वही पानी जो उनको डराता था, ये पतरस अब उसी पानी पे चल रहा है, वो चलने लगा। ये सामर्थ पतरस में नहीं थी, ये सामर्थ परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के वचन में थी, जिसने कहा आ। वो परमेश्वर जो अपनी पहचान देता है कि मैं वो परमेश्वर हूं। प्यारो, यदि वो परमेश्वर ना होता तो उनके वचनों में ये सामर्थ ना होती। आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पतरस, और एक बात समझनी है प्यारो, एक जब लास्ट टाइम में हमने बाइबल स्टडी लिया था, उसके बाद एक बहन ने मुझे प्रश्न पूछा कि हम डर से कैसे बचे। प्यारो, एक ही आंसर है, परमेश्वर का वचन। यहाँ पतरस के डर के ऊपर, चेलों के डर के ऊपर, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के मुख से हुआ निकला हुआ शब्द वचन, वो उनके ऊपर भारी हो जाता है, वो सामर्थी हो जाता है, और वो डर को मार देता है। यहां तक प्यारो, आप जरा सोचिए, ऐसे ही बाइबल को मत पढ़िए, थोड़ा रियलिस्टिक बनिए, थोड़े रियल हम बनते हैं। क्या आपको लगता है कि उस नाव में से भारी हवा चल रही है, पानी है, समंदर के बीच में हम हैं, मान लो कि हम वहां पर है, समंदर के बीच में हम हैं, और पानी पे पैर रखना, नाव में से बाहर आना, प्यारो ये अपने आप में, आप मान लो ये मृत्यु को न्योता देना जैसा है। वो पतरस नाव में से निकलकर पानी में पैर रख रहा है और प्रभु यीशु मसीह के पास जा रहा है। नॉर्मली हम सोचे तो, रियलिस्टिक में हम सोचे तो,
पर क्या हावी हो गया, डर के ऊपर परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के वचन की सामर्थ हावी हो गई। परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है जो डर को निकाल फेंकती है। और इस परमेश्वर कहता है, देखो परमेश्वर की पहचान आपको परमेश्वर के वचन को कार्य में लाने में सहायता करेगी। मुझे कितने भी वर्ड मालूम हो पर यदि मुझे परमेश्वर की पहचान नहीं है, वो वचन मुझे परमेश्वर की पहचान नहीं दे पाया है, वो वचन मुझे परमेश्वर के करीब ले जाना नहीं पाया है, तो वो वचन मेरे लिए ऐसे ही काले शब्द हो जाएंगे। यदि मैं उनको समझा नहीं हूँ, वो वचन मेरे लिए प्रकाशन नहीं बना है, तो वो वचन शायद मेरे लिए काम ना करे। और इसीलिए परमेश्वर पहले शिष्य को कहते हैं कि डरो मत, मैं हूं। परमेश्वर पहले अपनी पहचान देते हैं और बाद में कहते हैं कि आओ। और वो पत्रस जब जान लेता है कि ये तो यीशु है, यदि तू ही है, और पत्रस पानी पर चलने लगता है। आगे हम जानते हैं, नहीं हम विषय के साथ चलेंगे, इसलिए बहुत सारी बातें इसमें हम सीख सकते हैं, पर सारी बातें हम नहीं सीखेंगे, सिर्फ परमेश्वर की पहचान के विषय में, प्रभु यीशु मसीह की पहचान के विषय में ही हम सीखेंगे। आगे हम चलते हैं 30वीं आयत। यीशु के पास जाने को पतरस पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि प्रभु पतरस तूने क्यों संदेह किया, ये हमारा विषय नहीं है, पर एक बात सिर्फ हम सीखना चाहते हैं कि जब अगेन एक बार विश्वास आया, वो पतरस पानी पर चलने लगा, वो वचन को सुना और वचन को सुनकर वो प्रभु के पास जाने लगा, पर जब उनकी आंखें प्रभु यीशु मसीह को ना देखते हुए हवा को देखता है, तो उनका ध्यान जब प्रभु यीशु मसीह से हटकर हवा के ऊपर जाता है, तूफान के ऊपर जाता है, उनका विश्वास उनका भरोसा फिर जाता है, वो पानी में डूबने लगता है। प्यारो हमारी निगाहें कभी भी प्रभु यीशु मसीह के सामने से हटे नहीं। वचन ही है जो हमें परमेश्वर की पहचान देता है, वचन का प्रकाशन है जो हमें परमेश्वर का प्रकाशन देता है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में हमें सिखाता है। यहाँ जब प्रभु यीशु मसीह, बहुत सारी बातें हैं, यहाँ लिखा है कि हाथ बढ़ाकर, यारो यदि इंग्लिश में आप नो स्ट्रेटेड हाउस आउट हिज आर्म, उसने अपना हाथ लंबा किया, यारो ये मेरा पर्सनल बिलीफ है। देखो पौलुस कई जगह पर कहता है कि ये बातें मुझे परमेश्वर से पहुंची, यानी कि परमेश्वर ने खुद उनको बताई, और कई जगह पर वो कहता है कि परमेश्वर तो नहीं पर मैं ये बातें आपको कह रहा हूँ, तो ये मेरा पर्सनल जो मैंने परमेश्वर से सीखा है, मेरा ये विश्वास है कि वहां जब पानी में डूबना, आपको क्या लगता है पानी में कोई डूबता है तो धीरे धीरे डूबता है, वो नहीं, एक एक सेकंड में, एक थोड़ी ही देर में वो अंदर डूबने लगता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, ये पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके उसके कारण वो फटाक से अंदर जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ वहां वास्तव में लंबा किया था, इतना हाथ नहीं, वो हाथ लंबा हुआ था और उनको वहां से खींच निकाला था। ये आश्चर्य कर्म था जो सिर्फ चेलों ने देखा था। और वहां पर जब पतरस को वो निकाल लाते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर नाव मसीह भी नाव पर चढ़ जाते हैं और तूफान शांत हो जाते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह तूफान को आज्ञा नहीं देते हैं, जैसे ही वो नाव पर आते हैं वो तूफान शांत हो जाता है, हवा जो बहुत तेजी से हवा वहां पर हो रही थी वो थम जाता है, तूफान थम जाता है और वहां शांति हो जाती है, हवा थम गई। यदि पहली बार ये जब हुआ था, जब प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे और चेले लोग घबरा रहे थे और वो प्रभु को जगाते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह आज्ञा देते हैं, पर यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को आज्ञा देनी नहीं पड़ती। ये मेरे पर्सनल शब्द है कि तूफान को, ये झील को, ये हवा को परमेश्वर का अनुभव है। ये हवा वो शैतान है, इसको अभी हम डीपली समझ सकते हैं। यदि एफेसियों के दूसरे अध्याय में आप जाओ, वहां पर लिखा है वायु की सत्ता का अधिकारी, जो शैतान जो हवा के ऊपर अधिकार रखता है। इंग्लिश में आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से उनको समझ।
पाओगे, पर वो हमारा विषय नहीं है इसलिए हम वहां जा नहीं रहे। पर जैसे ही प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ नाव पे आ जाते हैं, वो तूफान हवा थम जाती है। प्यारो यहाँ पर समुन्दर उसको हम इस संसार के रूप में देखें, नाव उसको हम हमारे जीवनों के रूप में देखें, और हवा वो शैतान की कुयुक्तियां। जैसे ही परमेश्वर नाव में हमारे जीवन में पैर रखता है, जैसे ही परमेश्वर हमारे जीवन में आता है, हवा थम जाती है, शैतान की कुयुक्तियां वहां पर काम नहीं कर पाएगी, वो समाप्त हो जाएगी उनके ऊपर। दूसरे शब्दों में कहे कि उसके ऊपर हम विजयवंत हो गए। जो पानी पतरस को डराता था, चेलों को डराता था, उसी पानी पर पतरस चलने लगा, उस डर के ऊपर पतरस चलने लगा। परमेश्वर जब हमारे संग हो जाता है, परमेश्वर का वचन जब हमारे पास होता है, हम पानी के ऊपर चलेंगे। जो भी परिस्थितियां आपको सताती है, जो भी परिस्थितियां आपको डराती है, वो आपको डुबाएगी नहीं, पर आप उनके ऊपर चलोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। 33वीं आयत जो हमारा रियल विषय है, वो हमारा सब्जेक्ट है, 33 वर्स नंबर 33। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। चेलों ने दंडवत किया, चेलों ने दंडवत किया और कहा, सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। प्यारो, किसी को परमेश्वर का पुत्र कहना वो आम बात नहीं है। सन ऑफ गॉड, यू आर द सन ऑफ गॉड, तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। इसमें भी हम डिप में जाएंगे, क्योंकि जो भी है वो यहूदियों के लिए, जब कोई कहता है कि सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है, वो क्या कह रहा है, वास्तव में वो क्या कह रहा है, और दंडवत करना ये भी कोई मामूली बात नहीं है, हम देखेंगे। सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। निकालिए मेरे साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय, यूहन्ना रचित, सॉरी 5वां चैप्टर 5 और 17 और 18वीं आयत। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता, यहाँ यहूद ने फरोसी और यहूदी लोग उनके साथ बातें करते हैं और प्रभु उनके साथ बातें कर रहा है। ये चैप्टर आपके लिए स्टडी है, आप घर पे ये 5वां चैप्टर पूरा पढ़िएगा, 29 आयत तक 29 आयत तक आप घर पे पढ़िएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। मैं 17 और 18वीं आयत आपके लिए पढ़ता हूँ समय के कारण। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, आपको एक बात और मैं बताता हूँ, हम परमेश्वर को पिता कहते हैं, है ना, पर यहूदी लोग अब तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आए थे, किसी ने भी परमेश्वर को पिता कहने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि ये रिविलेशन आया नहीं था, कोई भी उनको पिता नहीं कहता था, कोई भी उनको पिता नहीं कहता था। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, ये उन्होंने शुरुआत की परमेश्वर को पिता कहने की। कब से? जब उन्होंने चेलों को, वो खुद तो यूज करता था, पर चेलों को जब उन्होंने प्रार्थना सिखाई कि आप ऐसा कहकर प्रार्थना किया करो कि हे हमारे स्वर्ग के पिता, वहां पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को पिता कहते हैं, और उसके बाद ये परमेश्वर को पिता कहना शुरू हुआ। उसके पहले कोई भी परमेश्वर को पिता कहकर वो रिलेशन समझ नहीं पाए थे, वो संबंध की शुरुआत, वो संबंध का रिविलेशन, संबंध का प्रकाशन वो प्रभु यीशु मसीह लेकर आए कि वो पिता है हमारा और हम उनकी संतान हैं। हम यहाँ पर आ जाते हैं। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसको मार डालने का प्रयत्न करने लगे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। इस कारण प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को पिता कहा, इस कारण वो उनको मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल, ध्यान रखना यहाँ पर, वह न केवल शब्द के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर, परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। जब वो परमेश्वर को पिता कहता था, लोगों के सामने, यहूदियों के सामने,
यहूदियों के लिए, वो लोगों के लिए ये मालूम हो जाता कि ये तो अपने आप को परमेश्वर कह रहा है। कई लोग प्यारो इस संसार में, देखो ये स्टडी इसलिए परमेश्वर ने मुझे दी क्योंकि कई बातें ऐसी है जहां पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई वीडियोस को सुन लेते हैं और सोचने लगते हैं क्या ये वास्तव में ऐसा है। पर प्यारो समझना पड़ता है कि ये वचन क्या कह रहा है। कई बार लोग कहते हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कभी परमेश्वर कहा? कई बार कहा प्यारो, आपको ढूंढना पड़ेगा उनके वो उस शब्द के मूल अर्थ में जाना पड़ेगा ताकि आप समझ पाओ कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार अपने आप को परमेश्वर कहा है। पर उनके विषय में, जब वो परमेश्वर संसार पर आएगा, उनके विषय में भविष्यवाणी हो चुकी थी कि वो दृष्टांतों में बात करेगा, और वो जब बात करेगा वो लोग सुनते हुए भी समझ ना पाएंगे, सुनते हुए सुनते लोग समझ ना पाएंगे, देखते हुए देखते लोग देख ना पाएंगे जो हो रहा है। ये भविष्यवाणी थी, ये भविष्यवाणी थी। सुनते हुए सुनने वाले लोग समझ ना पाएंगे, सुन ना पाएंगे कि वो क्या कह रहा है, समझ ना पाएंगे। देखते हुए लोग जो देख रहे हैं उनको वास्तव में जो हो रहा है वो देख ना पाएंगे। इसीलिए बाद में चेले लोग जाकर पूछते, प्रभु ये दृष्टांत जो तूने कहा था उसका अर्थ क्या है, हम भी नहीं समझ पाए। ये भविष्यवाणी थी और प्रभु यीशु मसीह उनको उनका प्रकाशन देते थे कि वो क्या कहना चाहते। यहां पर आ जाते हैं, परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य, यानी कि अपने आप को प्रभु यीशु मसीह यहाँ परमेश्वर कहता है। जब वो कहता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, देखो 25वीं आयत, आप यहाँ पे ही इसी अध्याय में 25वीं आयत, यूहन्ना 5:25, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। यहां पर फिर प्रभु अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहते हैं। परमेश्वर का पुत्र यानी कि खुद परमेश्वर। जब चेलों ने जब उनको कहा, दंडवत किया और कहा तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है, वहां पर चेले लोग स्वीकार कर रहे हैं कि तू सचमुच परमेश्वर है। यहूदियों ने, फरोशियों ने क्यों उनको मानने की युक्तियां प्रयोजी, क्योंकि वो कहते हैं उनके ऊपर, बाद में हम देखेंगे उनके ऊपर जो जिस कारण के लिए प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया वो भी यही था कि वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, यानी कि वो अपने आप को परमेश्वर कहता है। वही ब्लेस्फेमी वॉज द रीजन दैट जीसस वॉज क्रूसीफाइड। वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहकर अपने आप को परमेश्वर के समान करना, अपने आप को परमेश्वर कहना, यही रीजन था कि उनको, उन लोगों ने क्रूस के ऊपर जड़ दिया था। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर का पुत्र, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, यानी कि वो खुद परमेश्वर है, ऐसा प्रभु यीशु मसीह जाहिर करते हैं। और चेलों ने वहां पर सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है ऐसा कहकर उनका दंडवत किया, यानी कि चेलों ने तब मान लिया। वो आश्चर्य कर्म उन्होंने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह पानी पर चल रहा है, पतरस को कहा, पतरस भी चल रहा है, और प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ स्ट्रेच करके पतरस को बाहर निकाला और वो जब नाव में आया तो तूफान साथ हो गया। ये सारे आश्चर्य कर्म देखे और वहां पर वो मान लेते हैं, वो विश्वास करते हैं कि जिस प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं हूं वो परमेश्वर, मैं ही हूं वो परमेश्वर, तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर, अब्राहम इसहाक और याकूब का परमेश्वर। और चेले बंदवत करके उनको कहते हैं कि सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है, सचमुच तू परमेश्वर है। प्यारो यहां पर दंडवत करना, ये आप ऐसे ही नॉर्मल मत मान लो इसको, दंडवत करना। आप हिब्रू लोग को आज जाकर किसी भी हिब्रू यहूदी लोग को आप कहो कि किसी के सामने वो झुके, वो नहीं झुकेंगे, क्योंकि वो आयत थी कि मेरे अलावा किसी के भी सामने तू झुकना मत। निर्गमन पढ़िए, निर्गमन में लिखा है, पुनर्नियम में लिखा है, जो पुराने नियम की आज्ञाएं है उसमें ये बात थी कि मेरे अलावा किसी के भी सामने तू दंडवत नहीं कर सकता। और यहाँ पर चेले दंडवत करके उसका ओरिजिनल, मैं नहीं, काफी कुछ स्टडी परमेश्वर ने जब समय दिया था मैंने की थी, पर ज्यादा हम वो हिब्रू वर्ड उतना यूज नहीं करेंगे, पर सिर्फ उसका ओरिजिनल, जब
एक बात मैं आपको बताता हूं कि जब अब्राहम ने परमेश्वर से पहली बार जो वर्शिप शब्द आया था वो उत्पत्ति 22वें अध्याय में आया था, जब अब्राहम कहता है कि मैं पहाड़ पर जाकर परमेश्वर की वर्शिप करके आता हूँ, परमेश्वर की आराधना करके आता हूँ। वर्शिप शब्द पहली बार वहां पर आया था और वो जो शब्द था वो था शाका, और उसका अर्थ होता है प्रोस्ट्रेट वनसेल्फ इन होमेज बिफोर गॉड, अपने आप को किसी के सामने झुकाना, दंडवत करना। और यहाँ पर जो शब्द दंडवत है वो जो ग्रीक शब्द है उसका भी अर्थ यही होता है, अपने आप को किसी के सामने झुकाना, दंडवत करना, और अब पूरा उनके सामने लेट जाना और उनका दंडवत करना। प्यारो, ये कोई आम बात नहीं थी। आप निकालिए मेरे साथ, हम समझते हैं कि क्यों आम बात नहीं थी। यहुन्ना जिसको प्रकाशन मिला और प्रकाशित वाक्य, उसका प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और 10वीं आयत, प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय और 10वीं आयत। यहां यहुन्ना बात कर रहा है एक एंजेलिक बीइंग, और ऐसा कह सकते हैं कि हेवनली बीइंग, एक ऐसा ऐसा व्यक्ति, व्यक्ति नहीं कह सकते इसीलिए मैं उनको बीइंग बोलता हूँ, कि जो स्वर्ग से है और यहुन्ना से बात कर रहा है, उनको काफी सारी बातें उनको बता रहा है, पूरा हम नहीं देख रहे पर 10वीं आयत। तब मैं, यानी कि यहुन्ना जो अभी प्रकाशन उनको मिला है वो प्रकाशन में, तब मैं यहुन्ना उसको दंडवत करने के लिए, यानी कि जो आया और उनको ये बातें बताई उनको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, यानी कि जो था उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं जो यीशु की गवाही के दिन पर स्थिर रहते हैं, परमेश्वर ही को दंडवत कर। प्यारों ध्यान दीजिए, यहां पर परमेश्वर ही को दंडवत कर, परमेश्वर के अलावा किसी और की दंडवत ना कर। मैं भले ही स्वर्ग से आया हूं, मैं भले ही परमेश्वर के पास से आया हूं, ये इशू नहीं है प्यारो, ये एक हेवनली बीइंग है, एक उसको आप दूत बोल सकते, जैसे ने पुराने नियम में और नए नियम में भी जब लोगों को समझ नहीं आता था कि ये कौन है तो वो एंजल शब्द यूज करते थे, है ना। एंजल को आप दूसरी संदेशवाहक भी कह सकते हो, ये एक संदेशवाहक था जो परमेश्वर का संदेश प्रकाशन यहुन्ना के पास लेकर आया था। और वहां पर वो कहता है कि देखो पतरस आत्मा में था, क्योंकि उन्होंने लिखा कि उस दिन मैं आत्मा में था, और आत्मा में उनको जो, यानी कि पूरा पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति वो किसी किसी को कुछ मान लेता है और दंडवत करने लगता है, और वो कहता है कि मैं तो तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूं, ऐसा मत कर, मुझे दंडवत मत कर, केवल और केवल परमेश्वर ही को दंडवत कर, केवल और केवल परमेश्वर ही को दंडवत कर। दूसरी आयत हम प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 8वीं और 9वीं आयत, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय 8वीं और 9वीं आयत। मैं वही यूहन्ना जो ये बातें सुनता और देखता था, जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत, यहां पर वो थोड़ा क्लियरली बात कर रहा है ना, जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करके, समझो सुनो, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा, पर उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यवक्ताओं और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूं, परमेश्वर ही को दंडवत कर। दोबारा, परमेश्वर ही को दंडवत कर। मत्ती 14 अध्याय में हम आ जाते हैं, वहां पर चेले उनको दंडवत करते हैं। प्यारो, ये कोई आम बात नहीं है किसी को दंडवत करना, किसी को दंडवत करना। वहां पर और एक चीज, यीशु मसीह ने उनको मना नहीं किया कि तुम मुझे दंडवत ना करो, यदि ऐसा किया होता तो लोग कह सकते कि वो परमेश्वर नहीं है, पर वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उनको मना नहीं किया, ऐसी कोई बात वहां पर लिखा नहीं है। यानी कि उन्होंने चेलों की वो आराधना, चेलों की वो वर्शिप, उनका वो रेवरेंस, उनकी वो आराधना, उनकी वो भक्ति,
उनका दंडवत प्रभु यीशु मसीह ने स्वीकार किया, यानी कि वो परमेश्वर है, केवल परमेश्वर के अलावा कोई भी वर्शिप के योग्य नहीं है। इसीलिए कई बार हम गीत गाते हैं कि केवल तू ही उस आराधना के योग्य है, केवल तू ही उस वर्शिप के योग्य है। यहाँ पर चेले लोग उनको दंडवत करते हैं और कहते हैं कि सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है, यानी कि तू ही परमेश्वर है। प्यारो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रकाशन है, इज एम्बॉडीमेंट ऑफ लॉर्ड गॉड हिमसेल्फ, वही परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को रचाया है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे किसने पर पृथ्वी और ये सारी सृष्टि की, ये सारा अंतरिक्ष और सारा ब्रह्मांड की किसने रचना की, कैसे रचना की, बहुत डिप में नहीं जाएंगे, पर जो बातें सीखनी है यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि सन ऑफ गॉड परमेश्वर का पुत्र, यानी कि जब कोई कहता है कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, उस समय में यहूदियों के सामने वो जाहिर करता है कि मैं परमेश्वर हूँ। और उसी के कारण यहूदियों ने, फरीसियों ने उनको मार डालने की कोशिश की, क्योंकि वो कहते हैं कि उन्होंने अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराया है, अपने आप को परमेश्वर ठहराया है। चेले लोग मत्ती 14 और 33 में उनको दंडवत करते हैं। प्यारो, किसी को भी आप दंडवत नहीं कर सकते, और हिब्रू लोग तो कदापि नहीं करेंगे, यहूदी लोग कदापि नहीं करेंगे, पर चेले लोग जो हिब्रू थे, जो उनके समय में जो नियम संहिता थी, उन मूसा की जो किताब थी, तोरा जो था, मूसा की जो किताब थी, नियम संहिता थी, जो उनका पूरा ज्ञान रखने वाले लोग उनको दंडवत करते हैं और कहते हैं कि सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है, यानी कि उनकी वर्शिप करते हैं और उस आराधना को प्रभु यीशु मसीह स्वीकार करते हैं। यहुन्ना जो प्रकाशन में देखता है और वो वहां पर गिर जाता है उनके वर्शिप करने के लिए, और वो स्वर्गदूत और जो हेवनली बीइंग जो आया था वो कहता है कि मुझे दंडवत मत न कर, केवल परमेश्वर ही को दंडवत कर। और यहाँ पर चेले प्रभु यीशु मसीह को दंडवत करते हैं और कहते हैं कि सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है, सचमुच तो परमेश्वर है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मैं आशा रखता हूँ कि वचनों के द्वारा आप काफी कुछ अभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में जान रहे हो, सीख रहे हो। आने वाले समय में हम काफी बातें सीखेंगे प्यारो, काफी सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में हम सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और अभी जो हो रहा है, काफी बातें परमेश्वर ने मुझसे की है, पर उससे भी अधिक जो जरूरी है वो है परमेश्वर का, वो बातें जरूरी है ताकि हम लोग पश्चाताप करें, प्रभु में बने रहे, प्रभु में आगे बढ़े, प्रभु के जैसे बने। पर परमेश्वर की पहचान जब साथ साथ जाएगी, आप प्रभु को और करीब से पहचान पाओगे, जान पाओगे, उनकी हुजूरी को आप महसूस करोगे। प्यारो, परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, वो हमारे अंदर है। नए नियम के अनुसार नई वाचा जब हुई तो पवित्र आत्मा, जो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है, जो पिता का आत्मा है, वो अब हमारे अंदर रहता है, हमारे संग रहता है। उसका वचन उन्होंने पाला है, उनका पालन किया है कि मैं सदा तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुझे न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। आइए आंखें बंद करते हैं। आने वाले दिनों में हम सीखेंगे कि परमेश्वर का पुत्र कितने कितने लोगों ने, किसने किसने ये विटनेस किया, कितने कितने लोगों ने गवाही दी प्रभु यीशु मसीह के बारे में। कौन थे वो लोग जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहा, यानी कि परमेश्वर कहा, परमेश्वर का दैहिक स्वरूप, परमेश्वर का दैहिक प्रकाशन कितने लोगों ने कहा, कहां पर कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कहां पर परमेश्वर का पुत्र कहा, ये सारी बातें आने वाले दिनों में हम सीखेंगे। हम आंखें बंद करें। प्यारे परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से हम आपके पास आते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के द्वारा, आपके पहचान में आपने हमें बढ़ाया है। प्रभु, ये बातें जितने भी लोगों ने सुनी है, प्रभु आपका वचन, आपकी बातें वो आत्मा और जीवन है। और प्रभु, जहां आपका वचन है वहां आपकी आत्मा काम करता है, आपका लहू, सामर्थ्य लहू वहां पर काम करता है। पिता, जितने भी लोग बीमार थे, जिन्होंने भी वचन सुना है, पिता आज यीशु मसीह नाजरी के नाम से, प्रभु यीशु मसीह में जो अधिकार हमें मिले हैं, उस अधिकार से उन सारे लोगों के ऊपर प्रभु आपकी आत्मा का सामर्थ्य वह चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बी हील्ड राइट नाउ इन द माइटी नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु, उनकी जो भी जरूरतें हैं वो आप उनकी पूर्ति कीजिए। मेरा परमेश्वर मेरी महिमा के संपत्ति में से उनकी सारी जरूरतों को पूरी करेगा और पूरी कर परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आपके साथ का ये संबंध है,
प्रभु हमें हमारी प्रार्थनाओं को एक संबंध वाली प्रार्थना बनाने में भी सहायता करना, वो रिलीजियस प्रार्थना नहीं पर प्रभु एक संबंध वाली प्रार्थना बनाने में भी हमारी सहायता करना। प्रभु आपके साथ बातचीत करने के लिए आप हमारे पिता हो, आप हमारे साथी हो, हमारे संगी हो, हमारे भाई हो प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु आपके साथ उस संबंध में चलने के लिए हमारी सहायता करना, आपके वचन के प्रकाशन को प्रभु हम समझने पाए ताकि शैतान इस वचनों को चुरा कर ना ले जाए और हम आपके प्रकाशन में चलते रहे। सारी आदर महिमा सम्मान हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह नाजरी के नाम से मांगते हैं, आमेन।